ये बताओ, जितने भी फल हैं प्रायः सब में कुछ ना कुछ त्याज्य होता है, मतलब कोई ना कोई चीज फेंकने वाली होती है। केला खाओ तो छिलका फेंको, आम खाओ तो गुठली फेंको, बेर खाओ तो उसका बीज, हर फल में कुछ ना कुछ त्याज्य फेंकने वाली चीज होती है। लेकिन संत कहते हैं कि भागवत कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का ऐसा फल है कि इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब ग्राह्य है, क्योंकि ये रस है। पिबत भागवतम रसम आलयम, और रस का क्या है आलय, क्या है रसालय, आलय मतलब भंडार। अच्छा बताओ, जहां विद्या का आलय हो, जहां विद्या का भंडार हो, उसे क्या कहते हो? बोलो ना, बोलते नहीं, विद्यालय है कि नहीं? अच्छा, और जहां पुस्तकों का भंडार हो, क्या? हाँ, पुस्तकालय, खूब बढ़िया। और जहां मदिरा का भंडार हो, इसी प्रकार जहां पुस्तक का भंडार हो तो पुस्तकालय, ठीक। तो जहां भागवत कथा में भगवान के भक्ति रस का आलय है, भंडार है, तो यह है पिबत भागवतम रसम आलयम, रस का आलय है, इसे पियो। हे रसिकों, हे भक्तों, इस कथा को पियो। भगवान की कथा कान से तो सुनो, लेकिन पियो भी, क्योंकि सुनी हुई बात कदाचित भूल सकते हो, दूसरे कान से निकल सकती है, लेकिन पी हुई बात अर्थात पीना, पीना अर्थात जीवन में उतारना, इस कथा को पी जाओ अर्थात जीवन में उतार लो, कान से सुन के जीवन में क्रियान्वित कर लो, चरितार्थ कर लो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।